हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ए टू जेड आईटी सर्विसेज। दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ सेवेंथ लेक्चर ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज, एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर द सेकंड पार्ट ऑफ द फार्मूलाज टैब। जैसे कि आपको पता है कि कल हमने देखा था कि लॉजिकल फार्मूलाज तक, लॉजिकल फार्मूलाज में हमने देखे थे एंड, इफ और नॉट एक्सेट्रा, ठीक है, और वो डिफरेंट डेटा सेट हमने क्रिएट किया था। तो आज हम जिन फार्मूलाज के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है टेक्स्ट रिलेटेड फार्मूलाज, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं आज टेक्स्ट रिलेटेड फार्मूलाज। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि फॉर एग्जांपल टेक्स्ट रिलेटेड फार्मूलाज क्या होती है, कि जो आपको टेक्स्ट के रिलेटेड अप्लाई हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये जो है ना, ये दो कॉलम्स फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ये टेक्स्ट है, इन पे जो फार्मूलाज अप्लाई होंगी, जिसमें टेक्स्ट होगा ए बी सी एक्स वाई जेड एंड ऑल दैट अल्फाबेट्स एंड ऑल, उनको हम टेक्स्ट फार्मूलाज बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सेल को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं फुल नेम रख देता हूँ। देखिए अब यहाँ पे दो कॉलम्स है मेरे पास, दिस इज़ फर्स्ट नेम एंड दिस इज़ लास्ट नेम। आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस टू एंड आई वॉन्ट टू ब्रिंग देम इन अंडर वन सेल ओनली, ओके। सो इसके लिए जो टेक्स्ट फार्मूला है वो कनकैट और कनकैटिनेट है, ठीक है, कनकैट और कनकैटिनेट। हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू सी ओ एन सी ए टी, लिखा यहाँ पे खुद ही आएगा आपको, एंड देन ब्रैकेट स्टार्ट। टेक्स्ट वन कौन सा रखना चाहता हूँ मैं, ये वाला कामा, एंड टेक्स्ट टू कौन सा रखना चाहते हैं, ये वाला। आप इनको ज्वाइन करना चाहते हैं, एंड देन ब्रैकेट क्लोज, देन प्रेस एंटर। तो यहाँ पे आपका अरमान आना है, ठीक है। अब इसको आप ड्रैग करेंगे तो जितने भी सारे ये नाम है वो ज्वाइन हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, फिर फुल नेम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलेंगे अब कि ये तो स्पेस के बिना ही आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, कॉमा के बाद डबल कोट्स ऐसे रखेंगे हम, ठीक है, और डबल कोट्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस रखेंगे, एंड देन यहाँ पे कॉमा, मीन्स खाली एक स्पेस हमने ऐड की है इसमें, तो देन यहाँ पे हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो जो अरमान खान था वो स्पेस आ गई, यहाँ पे इसको ड्रैग करेंगे, देखिए हर जो नाम था उसमें स्पेस बीच में आ गई। सो दिस वाज सिंपल टेक्स्ट फार्मूला कनकैटिनेट और कनकैट, ओके, सिंपल है, होप आपको ये समझ आया होगा, बहुत इजी है, ठीक है। नाउ आपको याद होगा कि हमने एक लेक्चर में जब टर्म्स एंड एब्रिवेशन यूज्ड इन आईटी वाला लेक्चर जो था, तो उसमें हमने ये देखा था कि ASCII होता है एक, ASCII कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज एंड समथिंग लाइक दैट। तो उसमें क्या था, हमने क्या बोला था कि ASCII कोड क्या होता है, जो जितने भी कीज़ आपके कीबोर्ड पे है या कंप्यूटर कैसे अंडरस्टैंड करता है ए बी सी डी एक्स वाई जेड 1 2 3 एंड डिफरेंट सिंबल्स को कैसे अंडरस्टैंड करता है, ये अंडर एक इसका एक स्टैंडर्ड कोड दिया गया है, जिसको हम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एंड ऑल दैट जो भी वो बोलते हैं। तो उसके अंदर हर अल्फ़ाबेट और हर कैरेक्टर को एक ASCII वैल्यू होता है, ठीक है। तो अगर आपने वो चेक करना है वो भी हम एक्सेल में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपको इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है कोड, ठीक है, यहाँ पे मैं इक्वल टू लिखूँगा, इस सेल पे आप ध्यान रखिएगा, इक्वल टू कोड ऑफ व्हाट, टेक्स्ट कुछ भी आप लिखो यहाँ पे, कोड ऑफ ए। अगर आपको याद होगा वहाँ पे भी मैंने बोला था कि ए का कोड क्या है, ठीक है, यहाँ पे मैं एंटर करूँगा। सॉरी, जब भी आप टेक्स्ट फार्मूला में पास करेंगे एज आर्ग्यूमेंट तो हम डबल कोट्स में रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं भूल गया था, सॉरी फॉर दैट, देन ए देन ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे आपका 65 आ गया, ठीक है, 65 मैंने बोला था। इसी तरह अगर आप सुमाल ए का चेक करेंगे 97 आना चाहिए, देखिए यहाँ पे सुमाल ए, तो उसका जो ASCII को वैल्यू है जो है वो है 97। सो दिस वॉज सेकेंड दिस टेक्स्ट फार्मूला कोड, हम किसी भी अल्फाबेट कैरेक्टर का पता कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह अगर आपने स्टार का देखना है तो ए 8 के ऊपर होता है ना स्टार शिफ्ट के साथ, एंड देन प्रेस एंटर, तो उसका जो स्टार का जो कोड है वो 42 है, दिस इज ASCII कोड सिंपली, होप आपको ये समझ होगा। अब इसका उल्टा अपोजिट, अपोजिट क्या है कि आपके पास कोई कोड है उसका आपने देखना है कि कैरेक्टर क्या है उसका, मतलब उसका अल्फाबेट क्या है, ठीक है। तो उसके लिए जो यूज़ होता है वो है इक्वल टू कैर, इक्वल टू कैर देन ब्रैकेट स्टार्ट, आपने नंबर को ही पास करना है। फॉर एग्जांपल 65 जैसे आपको पता है इसका क्या आउटपुट होना चाहिए, आपको पता होगा, अब इसका आउटपुट होना चाहिए ए, तो यहाँ पे आपका ए आ गया, ठीक है। सो दिस वाज द अपोजिट ऑफ कोड फार्मूला, जिसमें हम कैर इक्वल टू कैर यूज़ करते हैं, क्लियर है यहाँ तक, बहुत ही ईजी है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो इसके बाद
जैसे आपको देखिए, अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ये देखिए, अगर यहाँ पे आपने कोड जो है, मतलब जो हर नंबर का उसका कैरेक्टर जानना है, तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कैर, ठीक है, इक्वल टू कैर। यहाँ पे रो की एक रो फार्मूला होती है, ठीक है, रेफरेंस जो होती है इसकी, रो रेफरेंस, ठीक है, ये जो रो है, रो वन है ना ये, तो हम रो डायरेक्टली रख लेते हैं एंड देन प्रेस एंटर। तो यहाँ पे आपका वन का जो ये जो सिंबल आ रहा है ना यहाँ पे, ये वन का आ रहा है क्योंकि रो वन है ना ये, तो रो जो वन है तो यहाँ पे आपको ये आ रहा है। अब इसको अगर मैं ड्रैग करूँगा तो आपके सारे जितने भी है, वन से लेके जितने भी यहाँ से रो नंबर है ना, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्या है रो नंबर, क्या है ये, इनका इसका अलग है, इसमें कुछ चीज़ों का सेम है। यहाँ पे आप देख लीजिए रो 33 का ये, 33 का ये मतलब है। अगर आप इसको और भी ड्रैग करेंगे ना, देखिए यहाँ पे 7 जो है 55 का, आप 65 पे मैं ले जाता हूँ, 65 पे आपको चेक करना है कि ए आता है कि नहीं आता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ए जो आया है 65 रो पे आया है, ठीक है। तो ये सिंपली रो जो फार्मूला है, रो यहाँ पे एक्स्ट्रा मैंने बोला कि विद इन आप इसके का कवर कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैरेक्टर, कैर, कोड एंड हमने कैनकेटिनेट देखा, ठीक है। इसके बाद क्लीन है, ठीक है। क्लीन किस लिए यूज होता है, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ये सिंबल है ना, ये देखिए आप यहाँ पे ये सिंबल है, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। कॉपी कैसे करेंगे इसको, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ एंड देन प्रेस यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। एंड पेस्ट का मैंने आपको बोला था पहले ही लेक्चर में कि पेस्ट के डिफरेंट ऑप्शन आते हैं एक्सेल में, कि आपको क्या पेस्ट करना है। पेस्ट अगर मैं पेस्ट डायरेक्टली करूँगा तो ये फार्मूला है एक्चुअल में, तो फार्मूला ही आएगी, लेकिन मैंने सिर्फ वैल्यू इसका पेस्ट करना है, ठीक है। तो पेस्ट वैल्यू जब मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ एंड देन वैल्यूज एंड सोर्स फॉर्मेटिंग, तो ये देखिए आप यहाँ पे जो है आपका वैल्यू आ गया, डिलीट हो गया ये, तो फिर से कॉपी कर देते हैं, कोई बात नहीं। कॉपी एंड देन यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे ये सिंबल है और सिंबल के साथ मैं कुछ लिख लेता हूँ, ए बी सी डी ई एफ। देखिए अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ, ये जो सिंबल है अननेसेसरी है, ये प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। प्रिंट आपको ये मतलब प्रिंट में नहीं चाहिए, कोई भी ऐसी सिंबल है जो आपको टेक्स्ट में नहीं चाहिए, जो टेक्स्ट जो है आपका मेला हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो उसको आप क्लीन करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे क्लीन फार्मूला लगा सकते हैं एंड देन कोई भी टेक्स्ट आप उसको पास कीजिए। देखिए इसका आउटपुट होगा सिंपली ए बी सी डी एफ होगा और वो जो सिंबल है वो हट जाएगी। होप आपको ये भी समझ आया होगा, क्लीन फार्मूला, ठीक है, यहाँ तक। देन वी हैव फार्मूलाज टाइप इन टेक्स्ट, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी वो हम देखेंगे यहाँ पे लोअर अपर में, जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है, सिंपल है ये। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हेलो, कैपिटल में मैंने लिखा ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्मॉल अल्फाबेट्स में हेलो, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे मैं इसके फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, ये जो कैपिटल में है इसको मैंने लोअर केस में पूरा कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला है लोअर देन ब्रैकेट स्टार्ट एंड वो टेक्स्ट पास करेंगे आप, देन प्रेस एंटर, तो आपका हेलो आ गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आपका लोअर केस है, इसको जो अपर केस बनाना है, मीन्स कैपिटलाइज करना है शॉर्ट को, तो यहाँ पे आप इक्वल टू अपर और ब्रैकेट स्टार्ट देन टेक्स्ट पास करेंगे देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे प्रेस एंटर, तो आपका ये हेलो यहाँ पे कैपिटलाइज हो गया, ठीक है। दीज आर बेसिक टेक्स्ट फार्मूलाज, टेक्स्ट बेसिक टेक्स्ट फार्मूलाज के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जो है लेंथ का है, एल ई एन एक फार्मूला है जो कि यूज होती है टू नो द लेंथ ऑफ सम नेम, ठीक है, लेंथ ऑफ सम नेम। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो सेल है यहाँ पे, इसमें मैं लेंथ फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ, इक्वल टू एल ई एन एंड देन ब्रैकेट स्टार्ट। आपको इस नाम का जो है वो पता करना है कि इसकी लेंथ कितनी है, तो देन प्रेस एंटर, तो 6 है इसकी लेंथ, जैसे ए आर एम डबल ए एन, ये 6 अल्फाबेट्स है, तो यहाँ पे आपकी लेंथ 6 आ गई, ठीक है, क्लियर है। लेंथ वाला चीज़ भी क्लियर हो गया आपको, तो बहुत ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। क्लीन एंड देन वी हैव रिप्लेस, रिप्लेस देखिए आप रिप्लेस क्या चीज़ है, यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं ट्राई कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये जो है लिखा है एक्वा, बी एल यू ई ब्लू,
एक वर्ड लिखा है एक्वा ब्लू, ठीक है। तो ये जो है ये कलर्स, यहाँ तक एक्वा ब्लू जो है वो कोई फ़ोन कलर है या कोई लैपटॉप कलर है। अब मैं इसको और नहीं, अब मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ ब्लू को ग्रीन से, एक्वा रखने मतलब रहने देता हूँ। तो उसके लिए जो यूज़ होगी फार्मूला वो है रिप्लेस इक्वल टू REPLAC, रिप्लेस एंड देन ब्रैकेट स्टार्ट क्या है, ओल्ड टेक्स्ट क्या है, ये एक्वा ब्लू है ना, कामा स्टार्ट नाम, कहाँ पे स्टार्ट होता है, चार फिफ्थ अल्फाबेट है, फिफ्थ अल्फाबेट बी कहाँ पे है, ब्लू का बी कहाँ पे है, फिफ्थ अल्फाबेट है ना, तो फाइव यहाँ पे मैं लिखूँगा, देन कामा स्टार्ट नाम, देन नम कैरस कितने हैं, नम कैरस जो है वो कितने हैं, GREN 5 है तो 5 लिखूँगा, देन कामा न्यू टेक्स्ट क्या आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो आप डबल कोट्स में लिखेंगे, GREN ग्रीन डबल कोट्स क्लोज ब्रैकेट क्लोज देन प्रेस एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्वा ग्रीन आ गया, इसको मैं ड्रैग करूँगा तो हर जगह जो है एक्वा ग्रीन आएगा, ठीक है। तो ये जो है कन्वर्ट हो गया एक्वा ब्लू इंटू एक्वा ग्रीन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट रिप्लेस फार्मूला विद इन द टेक्स्ट फार्मूला, ठीक है। रिप्लेस के बाद आपका ट्रिम होता है, ट्रिम किस लिए यूज़ होता है, जैसे क्लीन होता है ना, ट्रिम आपको मैं बता दूं यहाँ पे, जैसे ये सेल है ठीक है, इसमें मैं लिख लेता हूँ अरमान, सॉरी इसमें कुछ लिंक थी इससे पहले तो लिंक बन रही है, यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ भी, ARM अरमान, देन बहुत सारी स्पेसेस है, खान स्पेस है, कुछ भी ज़रूरी नहीं नाम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट में कुछ अननेसेसरी स्पेसेस आपको दिख रही होंगी, ठीक है। अब इसको आप सिंपल जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है, वन स्पेस होती है बिटवीन टू वर्ड्स, वो आप रखना चाहते हैं तो इसको आप ट्रम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज TRIM इक्वल टू ट्रम देन ब्रैकेट स्टार्ट देन टेक्स्ट हम पास करेंगे सेल का देन प्रेस एंटर। तो देखिए इसको कन्वर्ट किया इसने नॉर्मल टेक्स्ट में विद इन जो स्टैंडर्ड स्पेसेस होती है बिटवीन द वर्ड्स उसमें उसको कन्वर्ट किया। सो दिस वॉज अनदर फार्मूला विद इन द टेक्स्ट फार्मूला दैट इज ट्रम, ओके। तो ये आपका हो गया यहाँ तक क्लियर, ठीक है। तो दिस वार बेसिक फार्मूला, अब इन फार्मूला को देखो, एक फार्मूला को हम दूसरे फार्मूला के साथ यूज़ कर सकते हैं, मुश्किल नहीं होता है, बहुत ईजी होता है, हम किसी भी फार्मूला को दूसरे फार्मूला के साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने लॉजिकल में इफ़ देखा एंड और नॉट, उनको हम टेक्स्ट फार्मूलाज के साथ मिक्स करके कोई भी सिचुएशन कोई भी जो न्यू कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब आप ऑनलाइन किसी फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो फॉर एग्जांपल आप गूगल अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको पासवर्ड मांगता है कि जब भी आप पासवर्ड टाइप करते हो वहाँ पे आता है वीक, अगर आप छोटा सा लिख लेते हो अगर 4-5 कैरेक्टर का होता है, अगर आप ज़्यादा लिखते हो तो फिर मीडियम आता है, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग आता है या ओके आता है, ठीक है। तो वो जो कंडीशन लगी होती है ना वो इफ़ कंडीशन लगी होती है, ठीक है। इफ़ जो लॉजिकल कंडीशन होती, लॉजिकल फार्मूला थी, लॉजिकल फार्मूला में थी वो इफ़, एंड उसके साथ एंड एंड ऑल दैट वो लगा होता है। तो यहाँ पे आपको मैं अगर टास्क दूँ कि इफ़ फार्मूला आप लगा लीजिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप इसका सिंटैक्स मुझे बता दीजिएगा कि इफ़ फार्मूला लगाना है विद लेंथ, यहाँ पे आपको इस सेल में फॉर एग्जांपल मैं पासवर्ड लिख लेता हूँ, ठीक है, पासवर्ड लिख लिया मैंने, एंड जो भी पासवर्ड होगा ABCDPQR जो भी, और इस सेल में आपको बताना है कि वो पासवर्ड स्ट्रांग है वीक है या ये मतलब मीडियम है, ठीक है, आपको वो मुझे बताना है। और इसके लिए जब आप मुझे ये बताएंगे इसके लिए मैं आपको हिंट देता दे देता हूँ कि इसमें तीन चीज़ें अप्लाई होंगी, एक होगा लॉजिकल मतलब ये लॉजिकल फार्मूला इफ, एक एंड होगा यूज़ और एक लेंथ फार्मूला जो टेक्स्ट की है वो यूज़ होगी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैंने फार्मूला अप्लाई की है, मैं शो नहीं करूँगा, ये जो स्ट्रांग आ रहा है ये देखिए आप, यहाँ पे मैं पासवर्ड चेंज करूँगा आपको पता चल जाएगा, PQR रख लेता हूँ तो यहाँ पे वीक चेंज हो गया इसको खुद ही, अगर मैं थोड़ा सा बड़ा लिख लेता हूँ देन प्रेस एंटर तो ये स्ट्रांग आ गया, मीडियम भी आएगा किसी पे तो मीडियम आ गया, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना मतलब पूछना चाहता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा वो इसका सिंटैक्स मुझे चाहिए, सिर्फ आप कोई वैसे ही फार्मूला लिख लीजिए कि ऐसे होगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टेक्स्ट फार्मूलाज, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ सीखने को मिल गया होगा। अगली लेक्चर में हम देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा फार्मूलाज और इसको कवर अप करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। So, thank you very much.